जान पहचाना लग रहा है तो। और ये साड़ी, इसको ये साड़ी मिला है रंजना के घर से हमको, तो ये साड़ी सही रहेगा या वो, अब देखते हैं क्या होता है तब तक। हेलो माय ड्यूर फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, आज का ब्लॉग आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये तीज से रिलेटेड है। तीज के लिए बहुत सारे लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि तीज कैसे करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इस ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा, मम्मी बताएंगी, पर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाभी एक साड़ी दी हैं और एक और साड़ी है, तो आप दोनों साड़ी में से मम्मी बताएंगी किसका साड़ी है, तो उसमें से आप लोग चूज कीजिए जल्दी जल्दी कि कौन सा साड़ी पहनना सही रहेगा। और वैसे तो ये बस ऐसे जनरल क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि क्या होता है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है तो ये साड़ी का जो कलेक्शन होगा मम्मी का, जो कि तीज के लिए स्पेशली जो है अभी दिमाग में अभी डिज़ाइन कर रही थी। तो चलिए गाइस, वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। और आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिएगा कि कौन सा साड़ी आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। और आप लोगों को भी हमारे तरफ से हैप्पी तीज, और तीज के बारे में भी पहले सुन लीजिए और क्या क्या गलती ना कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि मम्मी बनाई है बहुत ही टेस्टी सर चटनी। चटनी जो है बहुत लोगों को पसंद आता है, हमको भी पसंद आता है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मौसम फिर से बारिश होने वाला है। पहले पका लिए थे जाली पर रख के गैस पे, तो ये पक गया है, लेकिन ये देसी टमाटर नहीं है इसलिए थोड़ा टाइट है। इसको देखिए कितने अच्छे से सब पक गया है, इसको एकदम बारीक से काटेंगे। ऐसे ये जो एक है इसको ऐसे चीरा लगा दिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे इसमें। और यहाँ सरसों का तेल थोड़ा सा, और इसको हम अच्छी तरह से इसको मसाल देंगे, इसको हम इसमें मसाल देंगे आराम से। अगर ये ज़्यादा टाइट है, नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा मिक्सी में कर लेंगे इसको, या हाथ से हो जाए तो हाथ से कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये पक गया है, वो बड़ा वाला थोड़ा टाइट है। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, तो यहाँ पे ये अच्छे से मसल दिया गया, खूब आराम से हो गया। यहाँ पे हो गया, तो इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये चावल दाल रहता है या कुछ रहे तो इसको हम लोग लिट्टी के साथ या कुछ कोई चीज के साथ बना के खा लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल दे रहे हैं, इससे हरा हरा देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये रहा आप लोग का चटनी गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? और हम लोग के यहाँ तीज काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उसके लिए कुछ कुछ शॉपिंग करना है। तो देखते हैं कि अभी क्या क्या लेना बाकी है, क्या खरीद लिए हैं, जो कि आप लोग के सामने हम उसको दिखाएंगे कि पहले से हम क्या क्या रेडी करके रखे हैं। तो गाइस, फाइनली आप लोगों को जो बात बोला गया था, और अभी आप लोगों को ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत लोग का कमेंट भी आया था कि क्या हम लोग पानी पी सकते हैं तीज करते वक्त, तो मम्मी ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आप
आप लोग पर्दा, हाँ इस पोजीशन से हम भी गुजरे हैं, इस दौर से जब सचिन हो गए थे और पूजा पेट में थी, तो उस समय हमको फास्ट रहना था। तीज एक जन्मिया होता है, तीज को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन अब ऐसा कोई आ गया संकट तो छोड़ देता है लो, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। तो तीज में क्या करेंगे कि भोर में 3 बजे या 4 बजे आप पानी पी के कुछ खा के पी सकती हैं, सेवई वगैरह कुछ भी। उसके बाद आप जब 3 बजेगा दिन, तो उस समय शंकर भगवान का पूजा वूजा करके 4 बजे से आप पानी पी सकती हैं। माऊ बन के, जैसे बचपन में माऊ बन के चला जाता है, उस तरीका से आप थाली में पानी रख के और पति बोले तो आप पानी पी सकती हैं। और जिसको दवा खाना होगा वो 3 बजे भोर में दवा खा लेंगे। और जैसे 12 बजेगा रात, उसके बाद आप लोग नहा धोवा के 1 बजे से आप लोग जो 3 बजे के बाद आप पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे पूजा करेंगे या घर पर करेंगे, उसके बाद सब छू लेना चाहिए। और जो 12 बजे के बाद आपको पूजा करना है चौथ में, तो पूजा करके सब छू के उसमें सत्तू जो होता है, हम लोग आंचल के खूंटा पे सत्तू रखते हैं, और उसको पानी गर्म पानी गुनगुना से पी के 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे नहीं रहा जाए तो आप हलवा चाय जो भी आपको खाना है खा सकती हैं रात में, लेकिन 12 बजे के बाद, जब 12 बजे तक ले सोना नहीं है, भोलेनाथ का उनको पूजा पाठ करना है और उनसे प्रे करना है अपने बच्चे के लिए अपने लिए, और आप दवा खा सकती हैं पूजा कर सकती हैं, और 12 बजे रात के बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी तो पूरा तैयारी कर चुकी हैं, कब से कर रही हैं आप? पहले से ही ये सब हम साड़ी रखे थे फालपी को करके। तीज जब हमारा शादी हुआ 32 साल हो गया हमको, हम छोड़े नहीं हैं कभी भी, तो ऐसा है कि नहीं छोड़ा जाता है। अगर किसी के घर में डेथ भी हो जाता है तो ऐसे फास्ट रह जाया जाता है, पूजा पाठ नहीं होता है, तो जो होता है वो अपना सुबह में पारण कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए गाइस अब आप लोगों को दिखाते हैं, मम्मी थोड़ा कंफ्यूज हो चुकी हैं कि कौन सा साड़ी या कौन सा कपड़ा पहनना सही रहेगा। आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि कौन सा साड़ी हमको पहनना अच्छा लगेगा तीज पे। तो 3-4 साड़ी का हम पहले से बनवा के ब्लाउज वगैरह रखते हैं कि कब कैसा टाइम आएगा उस समय में हम अपना रेडी कर लेते हैं और पहन लेते हैं। क्योंकि अपने सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं ये साड़ी जो हम ऑनलाइन लिए थे, इसको यहाँ इस तरह का है ये, तो ये साड़ी पहनना सही रहेगा। ये साड़ी है, इसका ये ब्लाउज है, यहाँ न्यू है, कोरा भी पहने नहीं है, तो सब सिलवा के रखे हैं ब्लाउज वगैरह कि जल्दी जल्दी में, इस समय तीज है छठ है तो उस समय ब्लाउज अच्छा नहीं सिला पाता है, खराब हो जाता है, इसके वजह से ये सिलवा के रखे हैं। और ये वाला आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद इसको दिखा रहे हैं, ये साड़ी आप लोग देखे होंगे पार्टी वेयर टाइप का है। हाँ ये साड़ी हमको मिली जी भेजी थी जो US से, वहाँ पे है, वो हमको भेजी थी ये साड़ी ऑनलाइन, तो ये भी यूरोप से, हाँ यूरोप से भेजी थी, तो ये भी साड़ी हमको बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन ये भी अभी कभी पहने नहीं है, ऐसे ही रखे हैं। तो देखिए कौन सा आप पहनना सही रहेगा, ये वाला ब्लाउज बनवा चुके हैं, जान पहचाना लग रहा है। तो और ये साड़ी किसको बोल रहे हैं, ये साड़ी मिला है रंजना के घर से हमको, तो ये साड़ी भी ब्लाउज बनवा लिए हैं, इसका ब्लाउज का कुछ डिजाइन थोड़ा अलग है, यहाँ पे ऐसा है ब्लाउज का डिजाइन। तो ये इंगेजमेंट पे हमको मिला था साड़ी, तो हम रखे हुए थे, और मनीषा को भी मिला था तो दे दिए, पूजा को भी दे दिए, तो इसका भी ब्लाउज बनवा के रखे हैं। देखते हैं कौन, आप लोग कमेंट कीजिएगा गाइस कि कौन सा पहन है। और ये सबसे भारी है साड़ी, और ये सचिन का दिया हुआ साड़ी है, तो इसका ब्लाउज अभी बना नहीं है, हम दिए हैं टेलर के यहाँ बहुत दिनों से, लेकिन इसका ब्लाउज रेडी नहीं है, लेकिन हम बोले हैं कि तीज में हमको चाहिए और मिल जाएगा, तो
जो आप लोग कमेंट करेंगे वो पहनेंगे साड़ी। तो ये चार को मेरा साड़ी रेडी है और इसमें अभी बला इसका चूड़ी वगैरह सब लेना है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन पहनना सही रहेगा। तो गाइस अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में भरिए कि ये साड़ी पहनना सही रहेगा या वो। अब देखते हैं क्या होता है, तब तक कॉल आ गया। देख रहे थे कि तीज में कौन सा पहनेंगे उसके हिसाब से ब्लाउज वगैरह सिलाएगा। ब्लाउज बनवा लिए हैं लेकिन चूड़ी लेना है। ये सब लाल पीला यही सब